जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। और साथियों, डेली के तरीके से आज हम फिर टीसीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और हमने जैसा कि आपको वादा किया था, स्टार्टिंग में हम डेली के टॉप 5 करंट के क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद 50 to 75 के आसपास जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं करंट हटा करके उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करते हैं। और उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स होते हैं, जितना डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है वो देने का प्रयास करते हैं। पिछले कुछ वीक से आप कंटिन्यू होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितने जरूरी हैं प्रश्न और क्यों हमें प्रीवियस ईयर देखना जरूरी है। ये देखने के बजाय क्या आएगा ये देखना है कि क्या आ रहा है, ताकि हम ये तैयारी कर पाएँ कि क्या आना चाहिए। लेकिन हम और आप इसके लिए तत्पर है नहीं है, क्योंकि अब ये ध्यान रखिएगा, अब एग्जाम के डेट अनाउंस होने शुरू हो गए, लगभग सभी एग्जाम जल्दी जल्दी अपडेट हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ हो सकता है कल एसएससी अपना कैलेंडर इशू कर दे, यानी विदिन वीक तो कर ही देगा। और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के समय सभी लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो सफल और असफल होने के बीच का जो गैप है, वो जो खाली टाइम में जो आपने अपने पसीना बहाया हुआ है, जो अपना एफर्ट किया हुआ है, मैं तो बहुत करीब से आप सबको पास होते हुए, रैंक लाते हुए और संघर्ष करते हुए देख रहा हूँ। फेल होना तो वर्ड गलत है, अब मैं कोई फेल नहीं होता है, बस समय के हिसाब से रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज के लिए हमने आपको कहा कि विद्यार्थी का पहला गुण क्या है, कि जो कभी रुके नहीं, जो कभी थके नहीं, जो कभी भागे नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करता रहे। और कब तक? जब तक उसकी नौकरी न लग जाए। और ये कब तक लगता है? 1 से 2 साल। कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपने सिर्फ पढ़ाई की, लेकिन मजबूती से पेपर देख करके, मजबूती से टारगेट वाइज पढ़ाई नहीं की। मैंने आपसे कहा था कि जब हमने मेन्स का भी सीरीज शुरू किया था, तो कुछ वो बच्चे थे जिनकी मुझे लगता था कि इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि लगातार मेन्स दे रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया जिनको जरूरत था। उन बच्चों ने जिन्होंने अभी मेंस देना है, प्रिय भी देंगे, उन लोगों ने मजबूती से उसको फॉलो किया। तो मैंने पूछा, उनसे बात की कि आखिर वजह क्या है, तो कहे सब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, मेरा ये छूट जा रहा है, वो छूट जा रहा है, वो छूट जा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप एसएससी को कोस भी रहे हैं, देश को कोस भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं बन रही। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पिछले 4 सालों में आपको हमेशा ये छूट गया, वो छूट गया के चक्कर में आप कभी टारगेटेड होकर तैयारी नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, और सीरियस किस सेंस में कि हमें किस एग्ज़ाम के लिए कितने दिन तैयारी करनी है, कैसे हमें मेहनत करना है। दिखाने के लिए मत पढ़ें, काउंट करने के लिए मत पढ़ें, खुद के लिए पढ़ें। खुद मतलब देखो, 3 घंटे पढ़ो तो 3 घंटे में आउटपुट आना चाहिए। और ये आउटपुट कैसे पता चलेगा? टॉपिक को पढ़ने के बाद जरूर उससे रिलेटेड MCQ करो, टॉपिक पढ़ो और MCQ करो, टॉपिक पढ़ो। होता क्या, जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब कुछ ही तो समझ में आ रहा है। जैसे आज में से कई लोग होंगे जो क्लास करते होंगे, लेकिन बिना कॉपी पेन के बैठते होंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनको क्या फायदा होता होगा, बस एक बहम है कि यस आज मैंने पढ़ा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10 मिनट यहाँ, 10 मिनट वहाँ, 5 मिनट वहाँ, 4 मिनट वहाँ, कुछ वहाँ कमेंट किए, कुछ वहाँ कमेंट किया, और सोचे कि यस मैं एंटरटेन हो गया। ना, आप अपने उस माँ बाप का जिसने आप पर भरोसा करके आपको इस लायक बनाया कि आप कमेंट कर पाए, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। और उसके साथ क्या धोखा कर रहे हैं, आने वाले आपकी खुद के लाइफ के लिए कर रहे हैं। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान को आप ले सकते हैं बेहतरीन तैयारी करने के लिए, अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे एजुकेटर्स के साथ। भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया है और बहुत सारे रिजल्ट भी आ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अध्यापक भी जुड़े हुए हैं। आपके टॉपिक के जो भी टॉपिक के आप टॉप टीचर ढूंढना चाहते हैं, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि बुक कौन सी करें जीएस के लिए, तो ये हमने एक बुक आपके सामने रख दी है टीसीएस की। ये हमारी वो क्वेश्चन है जो टीसीएस में अब तक आए हैं। मार्केट में और भी बुकें हैं, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। हम लोगों ने हर पेपर को शामिल किया और सारे क्वेश्चन आपके सामने कवर करने का प्रयास किया है। तो आप ये बुक चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ये मेरे वेबसाइट Sur60 पे भी मिल जाएगा। साथियों, आइए हम करंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप में से किसी का कोई डाउट, कोई क्वारीज, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर इसे फॉलो करने से एसएससी में 45 नंबर मिल जाएगा क्या? सिर्फ फॉलो करने से 45 कैसे मिलेगा यार, पढ़ने से मिलेगा। आप कितना पढ़ते हैं, कितना क्या करते हैं, ये तो आपके ऊपर है ना दोस्त। सिर्फ फॉलो करने से बात बनती, तो हजारों लाखों लोग दूसरे टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, ये झूठी बातें हैं। आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कितने ईमानदारी से यहाँ से आउटपुट निकाल रहे हैं, कितने ईमानदारी से आप डेडिकेटेड हैं, इससे बात बनेगी। ये 1 घंटे की मेरी क्लास है, यदि आपके 45+ आ जाएँ तो फिर तो दिक्कत ही क्या है। ये सब नकली बातें हैं। मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा। हाँ, मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें तैयारी कैसे करने की चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से कराए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारा प्रयास रहता है। द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस राज्य में विकसित किया जाना है। तो आप जान रहे हैं कि संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री एंड सी पोर्ट या वाटर मिनिस्ट्री या वाटर जलमार्ग मंत्रालय के बीच ये समझौता हुआ है कि गुजरात के लोथल में, लोथल आप जानते हैं कि भारत का सबसे एंशिएंट पोर्ट माना जाता है, हालांकि सबसे एक्टिव एंशिएंट पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, लेकिन ओवरऑल सबसे एंशिएंट पोर्ट है लोथल। आपने हड़प्पा काल में भी देखा है इसके बारे में कि लोथल में हम ये विकास करेंगे। और तो आपका लोथल में है, तो लोथल किस राज्य में है साथियों, गुजरात में है। तो दोनों क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सा मिनिस्ट्री, तो कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय क्या चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना, और बंदरगाह और नौवाहन मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय क्या चाहते हैं साथियों, तो वो चाहते हैं कि हम समुद्री विरासत परिसर को विकसित करें ताकि लोगों को इसके प्रति थोड़ा जागरूकता हो, लोग इसको जान पाए। इस तरीके के मुद्दे को ध्यान में रख करके ये शुरू किया गया है। तो हमारे लिए दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसने और कब, तो ये इस तरीके से आपको याद रखने की जरूरत है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिक्स नेटवर्क, विच ऑफ द लीड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए भारत का कौन सा प्रमुख संस्थान कार्य करेगा। आप जानते हैं ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये देश हैं। इन्होंने अभी 13वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान शिक्षा को डेवलप करने के, एजुकेशन के टारगेट को डेवलप करने के लिए एक ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने का प्लान है, और ये भारत के सहयोग से ही किया जा रहा है। तो भारत की किस संस्था के द्वारा, तो भारत की किस संस्था के द्वारा, आप सोच के देखो। भारत में सर्वोच्च संस्थाएं जिन पे आपको प्राउड है उनको क्या कहते हैं हम, IIT कहते हैं, जहाँ से बहुत सारे लोग पढ़ करके और जाकर विदेशों में पैसा कमाते हैं और उन देशों को फायदा उठाते हैं, है ना। पहले क्या था, देश गुलाम था तो अंग्रेज आते थे, हमें यहीं पर हमसे काम कराते थे, और अब क्या कर दिया अंग्रेजों ने, हमें हम पढ़ लिख करके जा करके उनके देश में काम करते हैं। तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बस गुलामी के तरीके बदल गए हैं। दैट इज IIT बॉम्बे। डेटा लीक, डेटा लीक क्या है, सॉरी डेटा लीक कह रहा हूँ, डाटा लीक, लेक क्या है, मतलब डाटा लीक ये कौन से मिनिस्ट्री का ऑनलाइन पोर्टल है। तो आप जानते हैं कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है ये, रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसके मामले में, नेशनल हाईवेज के मामले में। तो ये क्या कर रही है साथियों, नेशनल हाईवेज के मामले में ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जितने हमारे हाईवेज हैं उनको ड्रोन के माध्यम से रिकॉर्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे महीने का रिकॉर्डिंग रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार के मिसहैपनिंग या जितने डेवलपमेंट हो रहा है सबका सब रिकॉर्ड रखा जा सके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा था कि हम जो 5 के 5 करंट के लाएंगे टॉप, वो उस दिन के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे करंट है, आप देखेंगे मार्केट में कई सारी वेबसाइट है, हम लोग भी देख ही रहे हैं। तो जो हमें सबसे बेहतरीन टॉप लगता है वहाँ से हम आपके सामने डाटा लेकर के आ जा रहे हैं। Which is the nodal ministry for deep ocean mission? Deep ocean mission क्या है ना, ये समझने की जरूरत है। तो deep ocean mission बायोडाइवर्सिटी को और क्लाइमेट चेंज के वजह से होने वाले इफेक्ट को पता लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है। इसको कौन चला रहा है? अर्थ मिनिस्ट्री या अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये रेगुलेट किया जा रहा है, ताकि जो समुद्री तट हैं उनके आसपास बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके और क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले इफेक्ट को पढ़ा जा सके। ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले इफेक्ट को पढ़ा जा सके। तो किसके द्वारा किया जा रहा है साथियों? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, बायोडाइवर्सिटी को हम जैव विविधता कहते हैं, इसको मेंटेन करने का कार्य किया जा रहा है। चल, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। विच मल्टीलेटरल बैंक इज लीड पार्टनर ऑफ इंडिया इन द डेवलपिंग ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर? भारत के वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु वाले क्षेत्र तक के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन सा संस्था हमें फंडिंग करने का कार्य कर रहा है? किस संस्था के सहयोग से हमें मदद किया जा रहा है? आपने पढ़ा होगा 484 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन हमें दे रहे हैं ताकि इस हिस्से को डेवलप किया जा सके। तो आप जानते होंगे कौन है साथियों? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आपको मित्रों पता होगा कि इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर है साथियों? तो ये मनीला, फिलीपींस में है। इसमें कुल कितने मेंबर कंट्री हैं मित्रों? 68 कंट्रीज हैं। इसके जब भी चेयरमैन बनते हैं तो कौन बनते हैं? जापान के ही बनते हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा शेयर किसका है इसमें? जापान का ही है। तो अभी कौन है? मस्तागाव अस्कावा हैं, है ना। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि कौन हमें फंडिंग करने का काम कर रहा है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप में से क्या क्या कमेंट आ रहे हैं? स्टडी जीके की बुक कब आ जाएगी? स्टडी जीके की बुक हम जून लास्ट तक आपको दे देंगे या जुलाई 1 तक दे देंगे। चल, अब देखिए, हु इज द ओनली इंडियन टू हैव वन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट? मानव अधिकारों के मामले में यूनाइटेड नेशन का अवार्ड प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय कौन है, है ना। उनको ये पुरस्कार 1988 में दिया गया था। 1988 में मानवाधिकारों के लिए काम करते थे, दैट वाज द बाबा आमटे। नहीं तो दोनों तरीके से एकमात्र भारतीय हैं। ये देखो, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी? अब थोड़ा यहाँ पे कई बातें सीखनी है। स्वराज वर्ड पहली बार किसने यूज किया? तो स्वराज वर्ड पहली बार तिलक जी ने यूज किया था। कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द पहली बार किसने यूज किया साथियों? कांग्रेस के मन से, तो ये दादाभाई नौरोजी ने यूज किया। दादाभाई नौरोजी ने, इन्होंने 1906 में कोलकाता अधिवेशन में कहा कि हमारा स्वराज अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। लेकिन ये दोनों लोग स्वराज कैसा बोलते थे? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है? कि ब्रिटेन हम पर शासन करे लेकिन ब्रिटेन हमारे इंटरफेयर ना करे, हमें स्वतंत्र शासन करने दे। कैसे? जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शासन करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो भी शासन करते हैं उन पे सेंटर इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन एक तरीके का उनका मोरल प्रेशर उन पे बना रहता है। तो इस तरीके के प्रेशर के लिए हम क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेट। लेकिन 1929 के 1929 के लाहौर सेशन में साथियों, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सेशन में दोस्तों कहा गया कि अब हमें आधा अधूरा स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 31 दिसंबर 1929 को ये सेशन हो रहा और कहा गया आज से 25 दिन बाद, आज से 25 दिन का बाद मतलब क्या था साथियों? 26 जनवरी 1930 को हमें देश को आज़ाद करा देना था। और 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया पहली बार? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। और इसके बाद हर साल हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे। लेकिन जब आज़ादी मिली तो 15 अगस्त को मिली, तो अब 26 जनवरी को इम्पोर्टेंस डे देना था। तो नेहरू जी ने क्या किया? इसी दिन 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू कर दिया। तो अभी हम क्या मनाते हैं इसे? रिपब्लिक डे। लेकिन आज़ादी से पहले पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाते थे तो 26 जनवरी 1930 को मनाते थे। स्वराज शब्द किसने यूज किया? पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज किसने यूज किया? पूर्ण स्वराज किसने यूज किया? यह हमें जानना चाहिए। चल, मैंगो डिप्लोमेसी क्या है? आजकल तो सबको ही पता है मैंगो डिप्लोमेसी क्या है। बचो इन सारे अफवाहों से मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं जो हम जिनका हमारे एग्जाम से कोई संबंध नहीं है ना, कि ईरान ने अफ्रीका को क्या कह दिया और पाकिस्तान के आम को बाकी देशों ने वापस कर दिया, तो इसी को हमने मैंगो डिप्लोमेसी कह दिया। और मतलब क्या ही कहें हम। और तुम्हारे जैसे बहुत सारे युवा उन वीडियो को देखना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, जिनका कोई एग्जाम से संबंध नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम लोग अपना टाइम कैसे यूज करते हो, लेकिन जो बच्चा मैथ इंग्लिश सीरीज पढ़ रहा होगा उसको जीएस के लिए बहुत लिमिटेड टाइम मिलता होगा पढ़ने के लिए। मैंने आपको रणनीति बोली थी कि वीक में 3 मेंस का पेपर करना है, एक फुल जीएस का टेस्ट देना चाहिए, एक फुल वोकैब का टेस्ट देना चाहिए, एक डेली टेस्ट देना चाहिए 100 क्वेश्चन का। तो समझ रहे हैं, 11 टेस्ट हो गया। 11 टेस्ट देने का मतलब कि आप एक बहुत बड़ा चैलेंज ले रहे हैं। इतना करने के बाद भी यदि आपके मन में मैंगो डिप्लोमेसी जैसे प्रश्न पैदा हो रहे हैं तो उसके लिए हम बताएंगे, लेकिन हम ये भी आपको सजेशन देंगे कि इन तरीकों के न्यूज से बचें, फायदे में रहेंगे। खैर साथियों, G7 के बारे में बता दो। G7 के बारे में हमने बता रखा है। चल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? सरकार के कंपनियों को हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं। अभी भारत में सबसे ज्यादा सरकार की कौन सी कंपनी प्रॉफिट वाली है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इस समय। और सबसे ज्यादा लॉस देने वाली कंपनी कौन सी है इस समय? एयर इंडिया है ना। तो इन सभी की स्थापना को लेकर के हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ PSUs। तो कोई पूछते हैं फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स किसे कहा जाता है? तो वी कृष्णमूर्ति को कहा जाता है, जिनके देखरेख में नेहरू जी ने बड़े लेवल पर भारत में PSUs की शुरुआत की। देश का पहला PSU जो माना जाता है वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट माना जाता है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट माना जाता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से किसे हम फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहेंगे? दैट इज द वी कृष्णमूर्ति को कहेंगे। चल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोम? ये तो आप सबको पता होगा। प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोम किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं साथियों? प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी। बताइए, हम कंप्यूटर में रोम का यूज करते हैं, उसी में प्रोम का भी यूज कर रहे हैं। तो प्रोम कौन सा है? अच्छा, यदि आप सबका आंसर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है तो सही है, इसके अलावा कुछ भी है तो गलत है, और इसके अलावा भी कुछ है तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे काम करने की जरूरत है। देखो, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of Indian Constitution? हमने कहा था कि आपका horoscope, आपकी कुंडली के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, उसी तरीके से संविधान के कुंडली को जानना हो तो किसको जानना चाहिए? प्रियम्बल को। प्रियम्बल को लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वर्ड यूज किए, जैसे मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? प्रियम्बल। हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? प्रियम्बल। समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? प्रियम्बल। की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? प्रियम्बल, है ना। तो इन सभी चीजों को प्रियम्बल कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसने कहा है कि प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडिया? तो हमने बताया था KM मुंशी। कुछ लोग इसको गलत जवाब दे रहे हैं। दैट इज KM मुंशी इज द राइट आंसर। भीमराव अम्बेडकर जी ने समरी कहा था, व्याख्या कहा था। मयूर भंछऊ इज द डांस फॉर्म ऑफ। अब मयूरभंज यदि आपको पता भी हो तब भी आप कर सकते हैं। हमने बताया था कि छऊ कई सारे राज्यों में मनाया जाता है। हमने बताया था कि छऊ झारखंड में मनाया जाता है, छऊ वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन जो मयूरभंज छऊ है वो कहाँ पे मनाया जाता है साथियों? मयूरभंज कहाँ है मित्रों? उड़ीसा में। तो मयूरभंज छऊ कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में। हमने कहा था कि 8 क्लासिकल डांस है ना, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से क्लासिकल डांस की संख्या 9। तो 9वां क्लासिकल डांस किसे मनाता है? छऊ को मनाया जाता है। याद करिए हमने डांस टॉपिक पढ़ा है, यदि आपने किसी को नहीं पढ़ा है तो आप मुझसे बोल सकते हैं। मैं फिर दोबारा स्टैटिक जीके मुझे शुरू भी कराना है तो मैं डांस करा दूंगा किसी दिन। चल, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बेहतर रहेगा। विच रिफरेंस द मेटल एंड देयर ओर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से किसका और आप समझते हैं जिसको हम मेटलर्जी के थ्रू प्योरीफाई करके जिससे हम मेटल प्राप्त करते हैं, तो पूछ रहे हैं किसका कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? गोल्ड, कैल्वेट, एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट, कोबाल्ट, सोमेलाइट, मरकरी, ग्रीन नोकाइट। यही पे साथियों मरकरी ग्रीनोकाइट इज द रॉन्ग। अभी आएगा आगे और वाला, तो डिटेल इसको वहां पर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है? तो ये हमने टॉपिक आपको डिटेल पढ़ाया था, उसको एक बार दोबारा दिखा देते हैं। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमने कहा था कि जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा, ये तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कई बार आंगसी ग्लेशियर नहीं देगा तो चेंगमा युंगडुंग ग्लेशियर, मतलब कई सारे नाम हो सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आ चुका है। या लेक पूछ ले, मानसरोवर लेक पूछ लेगा। और हिमालय का कौन सा हिस्सा? तो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा। तो चेमायुंग इस बार का क्वेश्चन है। यांगसी ग्लेशियर कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। मानसरोवर लेक आया हुआ क्वेश्चन है। तिब्बत में जब ये निकलती है तो उस समय इसको हम कहते हैं सांगपो। तिब्बत में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। ये भी आपको जानना चाहिए, शुरुआत में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। जब तिब्बत से होते हुए चाइना में चली जाती है तो हम इसे यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। देखो कितना नाम है इसका, यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। और जब इंडिया में ये प्रदेश प्रवेश करती है तो कहाँ प्रवेश करेगी साथियों? अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंट्री करती है, तो इसे हम दिहांग कहते हैं। एक है दिबांग है ना, और एक है दिहांग। तो दिबांग भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। तो दिहांग और दिबांग में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने कहा था दिहांग, एच फॉर ब्रह्मपुत्रा से याद रखना, दिहांग है ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर। फिर जैसे ही साथियों अरुणाचल प्रदेश से असम में आती है तो असम में आकर के इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है? तो असम में। आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली कोई नदी है तो ब्रह्मपुत्रा ही है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट में है, पॉपुलेशन कम होता है, इसलिए हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली कोई नदी है तो ब्रह्मपुत्रा। जैसे ही असम भारत होते हुए बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में हम इसे जमुना कहते हैं। और फिर आगे जा करके ये गंगा से मिल जाती है और मेघना बनती है, और मेघना के बाद ये पद्मा हो जाती है। तो ये पढ़ा रखा हमने डिटेल आपको। कभी मौका लगेगा तो रिवर टॉपिक पढ़ा दूंगा। और मैंने कहा था आपसे कि एसएससी में ज्योग्राफी में लगभग 580 के आसपास क्वेश्चन आए, जिसमें से 120 रिवर टॉपिक से। यानी शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें रिवर से क्वेश्चन नहीं होगा। आप देख लेना, जितने पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे एक दो क्वेश्चन रिवर का रहेगा ही रहेगा। चल, तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है, इसको आपको लिखना चाहिए। चल, किस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? तो आप जानते हैं कि पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556 एंड 1761। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर जीत जाता है। 56 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर जीत जाता है। और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को पराजित कर देता है। तो ये तीनों पॉइंट हमें जानना चाहिए कि पहली लड़ाई कब क्यों, किसके बीच, दूसरी लड़ाई कब क्यों, किसके बीच, तो ये सारा का सारा हमें पता होना चाहिए। चलो, वैसे भी आप बक्सर की लड़ाई 1764 पढ़ चुके हैं, 1191 ये पढ़ चुके हैं, खानवा की लड़ाई 27 में आप पढ़ चुके हैं। गारो खासी रेंज किस स्टेट में है? गारो खासी जयंतिया आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, किस राज्य में? आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश वाला हिस्सा यहीं पे मानसून जाके फंस जाता है ना। तो कहाँ पे कौन सा राज्य दिख रहा है साथियों, ये आपको इतना तो सबको पता होगा कि मेघालय है। चल, और आपको पता हो कि पहले यहाँ चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, और अभी यहीं से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, कहाँ पर? मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश हो रहा है। Yes. Which law states that the volume of an ideal gas constant its pressure is directly proportional to the absolute temperature? KT, P by T is equal to K, so P1 by T1 is equal to P2 by K2. कौन सा लॉ ये कहता है? ये आपको हमने पहले भी पढ़ाया है। तो कौन सा लॉ कहता है साथियों? ये चार्ल्स लॉ। लगभग केमिस्ट्री का हर पेपर में मैं देख रहा हूँ एक लॉ, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बेसिक वाला लॉ जो हमें जानना चाहिए वो सारा का सारा यहाँ पर बताते रहते हैं। चल, विच वन इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया? जैसे मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो आप जानते हैं कि वेनेजुएला का एंजल फॉल सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट फॉल, जो लगभग 12 फीट है ना, लगभग इसके 2.5 गुने के बराबर। भारत का सबसे पहले जो कौन हुआ करता था? जोग प्रपात हुआ करता था, लेकिन जोग तो ऑप्शन में भी नहीं है, और ऐसे होता भी तो गलत होता। तो अभी कौन सा हो गया साथियों? कुचिकल फॉल, कुचिकल जलप्रपात। कहाँ पर मित्रों? कर्नाटक में। कर्नाटक में है ये। किस नदी पर है साथियों? तो वराही नदी पर है ये। विच रिवर? वराही रिवर, वराही नदी पर। यह हमें आपको जानना चाहिए। क्या आप सबके जवाब सही चल रहे हैं? क्या? यस, आप सबके जवाब सही चल रहे हैं। ठीक है, ठीक। 1929 में जब पब्लिक सेफ्टी बिल पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था 1929 में, तो किसी ने भगत सिंह के साथ बम फेंका था। तो भगत सिंह के साथ जो बम फेंकने की घटना हुई है वो साथियों किसने? बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। कितने तारीख को ये घटना हुई थी? तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुई थी। तो कई बार ये आता है कि कौन सा बिल चल रहा था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल या एक दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल चल रहा था। और साथियों क्वेश्चन आता है कि जिस समय ये सेशन चल रहा था उस समय असेंबली का हेड कौन था? तो आप जानते हैं कि पहले भारतीय हेड विट्ठल भाई पटेल ही थे। विट्ठल भाई पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ दैट असेंबली जब ये बम विस्फोट हुआ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये बम विस्फोट की घटना किस देश से प्रेरित थी? तो आप जानते हो कि 1893 में फ्रांस में एक व्यक्ति थे अगस्टे वैलेंट, उन्होंने वहां के पार्लियामेंट में बम विस्फोट किया था इस बात को जताने के लिए कि हमारी बातों को सुना जाए, लोगों के नजरों में आए, सरकार पर प्रेशर बने। हालांकि अगस्टे वैलेंट का वहां उसमें मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगत सिंह जैसे लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने उनके विचारधारा को देख करके कि हाँ, बहरों को सुनाने के लिए आवाज की जरूरत होती है, ऐसा कहकर उन्होंने ये बम विस्फोट किया था। कम पावर का था, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यही वो जगह है जहां पर पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद पहली बार यूज किसने किया, तो दिया तो इनकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन पहली बार यूज किया भगत सिंह ने। यहीं पर इसी सेशन में दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, साम्राज्यवाद का पतन हो, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे। तो यहां पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इसे अंजाम दिया था। क्वेश्चन आता है कि जब और ये लोग भागे नहीं वहां से, वहीं खड़े ही रहे कि हमें अरेस्ट कर लो। तो जब केस की सुनवाई का नंबर आया तो भगत सिंह ने अपने केस की सुनवाई के लिए कोई वकील नहीं रखा, खुद अपने केस के रिप्रेजेंटेटिव बने थे। लेकिन बटुकेश्वर दत्त ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वकील हायर किया था। उस वकील का नाम क्या था, आसफ अली, है ना। और हालांकि इस केस में लोगों को आजीवन कारावास का सजा दिया गया। भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के जुर्म में भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिला करके और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। बटुकेश्वर दत्त 1965 में इनकी मृत्यु हो गई। एक इतने बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति जिनका कोई सम्मान नहीं दिया गया, लंबी बीमारी के बाद उनका मृत्यु हो गया। और स्वतंत्रता के इतने शानदार अध्याय में इनका हिस्सा होने के बावजूद सरकार ने न तो इन्हें कोई इसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी, ना इनको कोई पॉलिटिकल पद दिया। मतलब हमें पता नहीं, ये दुख होता है कि जो लोग क्रांतिकारी थे, जो लोग बेहतर कर सकते थे, उनको हमने उतना वैल्यू क्यों नहीं किया। लेकिन जो भी, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो हुआ वो हुआ। उस समय हमारे काम के 3 पॉइंट है कि कौन सा बिल चल रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, चेयरमैन कौन था, विट्ठल भाई पटेल, और कहाँ से ये प्रभावित थे, ये फ्रांस की घटना से प्रभावित थे, और इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारा यहीं पे दिया गया। चल विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ द्रविड़न मूवमेंट अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, है ना। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ स्व सम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया। इनका नाम है साथियों ईवी इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, ईवी रामास्वामी। इन्हें हम फादर ऑफ द्रविड़ मूवमेंट भी कहते हैं, द्रविड़ आंदोलन के जनक भी कहते हैं। ये कट्टर ब्राह्मणवाद विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। इनका कहना था कि जब प्रकृति ने सभी जीवों को सारे अधिकार दिए हैं, तो एक कट्टर ब्राह्मणवाद कैसे किसी खास जाति के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, जब सभी वेद, सभी ग्रंथ ये कहते हैं कि किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सभी कीड़े मकोड़ों की रक्षा करनी चाहिए, तो निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव क्यों है। एक बार ऐसा हुआ कि इनके पिताजी ने इनको किसी ब्राह्मण को अपने घर पे लाने के लिए भेजा, लेकिन लाने के बजाय उनके साथ इनकी लड़ाई झगड़े हो गए, पिताजी इनसे नाराज हो गए और ये घर छोड़ के भाग गए। और भाग के एक बनारस गए, और बनारस में जहाँ पर लोगों को फ्री खाना दिया जाता था वहाँ पे गए ये। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, निम्न जाति का है, तो इनको भगा दिया गया। तो धीरे धीरे इनका नफरत बढ़ता चला गया। और इन्होंने साथियों 1917 में कुछ लोगों के साथ मिलकर जस्टिस पार्टी की स्थापना की, जिसे 1944 में डिसॉल्व कर दिया गया, जिसका पर्पज निम्न जाति के लोगों के लिए न्याय करना था। बाद में इन्होंने, जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो आज़ादी के बाद इन्होंने अपने से 20 साल की कम उम्र की महिला के साथ शादी किया, जिससे कुछ लोग इनसे नाराज हो गए। और यहीं पर 1949 में डीएमके द्रविड़न कटगम पार्टी का स्थापना हो गया। तो हमारे एग्जाम के लिए क्या, अच्छा ये कांग्रेस भी ज्वाइन किए थे, लेकिन कांग्रेस में भी देखा कि इन्होंने निम्न जाति के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा, तो फाइनली ये उससे भी रिजाइन कर दिए थे। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कौन सी पार्टी स्थापित की थी, तो इन्होंने जस्टिस पार्टी स्थापित की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता होते हुए भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उतना समर्थन नहीं दिया। चल, और फादर ऑफ द्रविड़ मूवमेंट ये कह सकते, द्रविड़ आंदोलन के पिता, द्रविड़ आंदोलन को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति। Which century is famous for ingot Asturian क्रोकोडाइल्स कंजर्वेशन इन इंडिया। भारत में लुप्त प्राय क्रोकोडाइल मगरमच्छों को संरक्षित करने के लिए कौन से सेंचुरी में अभ्यारण्य में प्रोविजन किया गया है? तो ये जीके टाइप का एक क्वेश्चन है। ये भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर साथियों? उड़ीसा में। यहाँ पे हम क्रोकोडाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अभ्यारण्य चला रहे हैं या बनाए हुए या संचालित कर रहे हैं। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज लेजी आइज? आलसी आंख किसे कहते हैं? लेजी आइज किसे कहते हैं? हो सकता है आप में से भी किसी को प्रॉब्लम हो, एक आंख से आपको चीजें क्लियर देखती हूँ और दूसरे आंख से आपको चीजें धुंधली दिखती हूँ, क्योंकि आपकी एक आंख का लेंस या रेटिना या पीपिल प्रॉपर मिरर बनाता हो, लेकिन दूसरे वाले में मिरर नहीं बन पाता, इसलिए डल आता है। और ये जनरली हमारे कम एज के बच्चों के साथ ही शुरू होता है। 7 साल की उम्र तक इस तरीके के डिजीज होने के चांसेस होते हैं। पर्याप्त प्रोटीन या पर्याप्त किसी प्रकार का लेक हो जाए, इसकी वजह से ये होता है। तो हमने कहा कि किस प्रकार की डिजीज में ऐसा होता है या लेजी आई किसे कहते हैं? तो लेजी आई हमने कहा कि ये डेवलप बिटवीन 7 ईयर, 7 साल तक के एज में ही होता है। इसी के इलाज के लिए हम कई बार लेंस लगाते हैं, कई बार चश्मे लगाते हैं, कई बार ऑपरेशन करवाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एम्ब्लियोपिया। चल, इनकी पीडीएफ मिलेगी, इनकी पीडीएफ तो डेली मिलती है। पीडीएफ नहीं मिल रही साथियों? चल, इन विच ईयर यूनेस्को इंक्लूड योगा इन द इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? याद करो हमने कल भी कहा था कि सरकार भारत में टेंजिबल और इनटेंजिबल का लिस्ट बनाई हुई है। किसके मदद से? यूनेस्को के मदद से। 38 यूनेस्को के टेंजिबल लिस्ट है और 13 इनटेंजिबल लिस्ट है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि योगा को कब शामिल किया गया? कल देखो, कल हमसे पूछा था नौरोज को कब शामिल किया गया, आज हमसे पूछ रहे हैं योगा को कब शामिल किया गया। तो योगा को कब शामिल किया गया साथियों? 2016 में, इनटेंजिबल, अदृश्य। तो एक बार देख लो किसको किसको हमने कहा था। कुंभ मेला को 2017 में, नौरोज और योगा को 2016 में, ब्रास इंस्टल्स को, बर्तन को 2014 में, पंजाब में होता है ये, 2013 में संकीर्तन, 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट मंत्रोच्चारण, और 2010 में मोदियट्टू, केरल का डांस है, कलबेलिया राजस्थान का, छऊ अभी हमने पढ़ा ही था। 2010 में इन 3 डांसों को शामिल किया गया साथियों। और मित्रों, सबसे पहले रामलीला, वैदिक चैंटिंग और संस्कृत थिएटर कटियट्टम को शामिल किया गया 2008 में, और 2009 में हमने रमन को शामिल किया, गढ़वाल रामायण को। तो ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा कब कब शामिल किया गया, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया कौन सा है, कौन सा कब शामिल किया गया, ये भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हो। देखो डेली के पेपर में एक रह ही रहा है, हु इज नोन एज द गंगाई चोल या गंगा का विक्टर, गंगा का विजेता किसे कहा जाता है? बताइए किसे गंगा के विजेता के नाम से जाना जाता है? या आपको तो पता ही होगा कि चोल शासक है और सारे ऑप्शन में भी चोल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्होंने जीतते जीतते ऐसा बताते हैं कि गंगा तक को जीत लिया। अब सही कितना है पता नहीं, लेकिन हाँ हमारे काम का है कि गंगाई चोलपुरम किसे कहेंगे या गंगा को जीतने वाला शासक गंगाई कोंडा किसे कहेंगे? तो कौन है साथियों? राजेंद्र चोल फर्स्ट। चल, 1019 से 1024 तक का इनका शासन है। किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया? हमने बताया था कि सती का मतलब क्या था। सती को हमने एक ऐसे व्यक्त किया था कि जो स्त्री सती नहीं होती है वो अपवित्र है। सती वर्ड का मीनिंग होता है प्योर, पवित्र। एक ऐसी महिला जो पवित्र है, लेकिन पवित्र कब मानी जाएगी? जब वो अपने पति के मृत्यु के साथ साथ अपना जीवन छोड़ देती हो, तब उसको पति पवित्र व्रता माना जाएगा। आप देखेंगे कि जब वैदिक समाज है उस समाज में महिला पुरुषों को सबको सेम अधिकार है, शिक्षा के मामले में, मैरिज के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में, हर मामले में सारा का सारा सेम अधिकार मिलता है। लेकिन धीरे 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 आते आते महिलाओं की स्थिति खराब करते चले जा रहे हैं और एक समय आता है जब 8 साल, 12 साल, 10 साल की उम्र में शादी कर देते हैं और कम उम्र में मान लीजिए किसी कारण से मृत्यु हो गई पति की, तो वो विधवा रहेगी। तो विधवा रहेगी तो उसे कई तरीके की दिक्कत होगी, तो उसके पास एक विकल्प है कि वो सती हो जाए। तो इसमें महिलाओं को हमने बताया था कि नशा करा करके जबरदस्ती जला दिया के मार दिया जाता था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया और अपराध घोषित कर दिया। हालांकि इससे पहले अकबर जैसे लोगों ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। सती का पहला साक्ष्य जो हमें मिलता है वो 510 एडी में एरन इंस्क्रिप्शन में गुप्ता काल में मिलता है, जहां पर एक भानुगुप्ता के नामक पुरुष की महिला या पत्नी सती हो जाती है, जो ओरिजिनल साक्ष्य है सती का। उसके बाद बहुत सारे सती के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन पहला साक्ष्य जो हमें मिला है वो गुप्ता काल में मिला है। और विलियम बेंटिक ही भारत का पहला गवर्नर जनरल है ऑफ इंडिया, जिसे मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से हुआ। इन्होंने नरबलि प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया, कई सारे सुधार इन्होंने किए। सत्रिया इज द डांस फॉर्म ऑफ, इससे आसान क्वेश्चन क्या लीजिएगा। हमने कहा था कि 8 क्लासिकल डांस हैं, उसमें से एक सतरिया भी है। जैसे आप जानते हो भरतनाट्यम कहाँ पे साथियों, तमिलनाडु में। कथक कहाँ पे साथियों, उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में। कथकली कहाँ, केरल में। मोहिनीअट्टम कहाँ, केरल में। कुचिपुड़ी कहाँ साथियों, आंध्र प्रदेश में। ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुर में। तो बच कौन सा गया साथियों, सतारिया बच गया। सतारिया कहाँ पे मित्रों, असम में। तो ये 8 क्लासिकल डांस है। हमने सारा का सारा आपको पढ़ाया हुआ है कि साहित्य अकादमी के हिसाब से 8, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से 9। 9वां कौन सा, 6 को माना गया है। चलिए, अब देखो हम जल्दी एक दिन आपको लगभग वो 250 क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो एसएससी बार बार पूछ रही है, लेकिन वो क्वेश्चन जो पढ़ाया नहीं जा सकता, बकवास जिसे फालतू क्वेश्चन कहते हैं। जैसे अब देखो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, लेकिन पूछ रहे हैं प्लानिंग कमीशन के हिसाब से भारत को कितने एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। मतलब पढ़ाया तो जा सकता, ऐसा नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछें तो वो अपने आप में एक बदमाशी वाला क्वेश्चन मेरा मानना है कि लगता है। तो ऐसे लगभग हम 250 के आसपास क्वेश्चन आपके साथ कलेक्ट करने वाले हैं, जिनका कोई और छोर नहीं है। जैसे पूछा गया कि हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं, है ना। ऐसे डेली 1-2 क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं जिनका कोई और छोर नहीं होता है। तो पूछ रहे हैं कि कितने हिस्सों में बांटा गया, कितने हिस्सों में बांटा गया साथियों, चल 15, 15। अब देखो ये भी अपने आप में एक बदमाशी वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम इसको आपके डिटेल बताएंगे। When was the backward and minorities communities employee federation established in India? भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि एक अंबेडकर जी थे जो निम्न जाति के लिए काम करते थे और एक आज़ादी के बाद एक बहुत बड़े नेता हुए काशीराम। उन्होंने दलितों के अत्याचारों के विरोध में विरोध करने के लिए, सबको यूनाइट करने के लिए, न्यायोचित स्थान प्रदान करने के लिए एक बेहतर संगठन का निर्माण किया, जो 14 अप्रैल 1978 में टारगेट किया गया कि हम इसको बनाएंगे। 14 अप्रैल को क्या होता है, भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे होता है, उसी दिन ये बनाया गया। भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे होता है, उसी दिन इसे इन्होंने काशीराम जी ने बनाया। इसको हम सामान्य बोलचाल में बामसेफ के नाम से भी बहुत जानते हैं। अब मुझे ये उम्मीद नहीं है कि आप एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बदमाशी वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमें जानना चाहिए। काशीराम जी ने नारा दिया कि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया सब छोड़, है ना। और भी कई सारे नारे दिए, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जातिवाद वाले आंदोलन में हमें ना तो पढ़ना चाहिए ना पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जाति धर्म से ज्यादा जरूरी है रोजगार। जाति धर्म से ज्यादा जरूरी है भूख, है ना। 1984 में इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी और इसके बस सपा के साथ मिलकर के बड़े लेवल पर आंदोलन किया और एक बेहतर सफलता इन्होंने हासिल की यूपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में। वामसेव ब्राह्मणवाद को अपना मुख्य शत्रु मानता है। ये जी गोविंद राव फुले और अंबेडकर जी को आदर्श पुरुष मानते हैं। तो ये संस्था जो है 1978 में किसके खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ कार्य करती है। SC ST माइनॉरिटीज के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे टॉपिक कैसे याद करोगे अब मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जानना चाहिए। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर यू फर्स्ट विक्ट्री, अपनी प्रथम विजय के पश्चात आप आराम ना करें। बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक। यदि प्रथम विजय के बाद आप विश्राम करते हैं और किसी कारणवश आप दूसरे विजय में फेल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहने के लिए बैठे हुए हैं कि आपकी पहली विजय सिर्फ एक लक, एक मौके, एक अवसर की वजह से हुई, ना कि आपकी योग्यता की वजह से। तो ऐसा अच्छा विचार कौन देगा साथियों? APJ अब्दुल कलाम। देखो बहुत सारे लोग बहुत सारे विचार देते, कुछ निकम्मे दे देंगे निराशा वाले विचार, कुछ निकम्मे कह देंगे कभी पढ़ने का क्या फायदा है, इतना थोड़ी ना पढ़ते हैं। देखो ध्यान समझना, सफल लोग, जो लोग सफल हुए हैं वो सिर्फ मेहनत के दम पे सफल हुए। बाकी लोग को कुछ भी कह दें, आपके दिमाग में कह सकता है नहीं मेहनत से क्या होता है, लेकिन सफलता का सफलता साबित करती है कि सफलता मेहनत से ही मिलती है। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको माने ना माने। तो उसी कलाम सर का आप कोटेशन देखेंगे तो अपने आप में एक जीता जागता, मतलब मुझे लगता है इनसे अच्छा कोई आइडियल पर्सन हो ही नहीं सकता। देखो कल भी हमने एक टॉपिक कहा था, फंक्शन की वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सर बुक कब आएगी? बुक आ जाएगी साथियों। कल मैराथन होगा, मैराथन संडे को हुआ करेगा, सैटरडे को नहीं। सैटरडे मेरा कुछ काम रहता है कैंपस में, तो हम संडे को ही किया करेंगे। Which function key displays the print preview window in Microsoft? है ना, print preview देखने के लिए आप कौन से function key का उपयोग करते हैं? तो कौन सा साथियों? Ctrl F2। तो ये पढ़ाने का नहीं, मतलब ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। चले इन 1930 में Which scientist was awarded for Nobel Prize? 1930 में किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? क्योंकि उन्होंने 30 साल बाद इनको नोबेल दिया गया। इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। सोचो 1900 से पहले कितना मुश्किल होता होगा किसी का ब्लड देना, किसी को ब्लड की कमी, ब्लड कोई सा भी चढ़ा दिए, मर ही गए है ना। तो इन्होंने ABO ऐसे 4 कैटेगरी बनाया था और उन 4 कैटेगरी के आधार पर ब्लड ग्रुप का डिसीजन हुआ, एंटीजन के आधार पर, है ना। A एंटीजन तो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन B ब्लड ग्रुप, AB दोनों एंटीजन AB, और जिसमें कोई भी सब एंटीजन नहीं है उसमें 0, और एंटीजन का जस्ट अपोजिट कौन सा एंटीबॉडी होता है। इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, किसको कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं दिया जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चे के O ब्लड ग्रुप होने के कितने % चांस है। कई बार तो इसी के आधार पे पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है कि ये ब्लड ग्रुप आना चाहिए था, ये आया नहीं, तो ये कहाँ से आ गया बच्चा, ऐसा भी लेकर के विवाद चलता रहता है। तो ये आप सबको पता होगा कि A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, है ना। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बाद में इसमें आकर के RH फैक्टर भी खुद ढूंढ लिया गया। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन से ब्लड ग्रुप के लोग हैं भारत में? इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्रीज इन ईस्ट, पूरब की तरफ कौन सी बाउंड्री है? अब देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान किधर की तरफ है साथियों? वेस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश किधर की तरफ है? ईस्ट की तरफ। भूटान किधर की तरफ है? नॉर्थ की तरफ। अफगानिस्तान किधर है? वेस्ट की तरफ। नेपाल, चाइना, भूटान किधर है? नॉर्थ की तरफ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इतना तो सबको पता होना चाहिए। चलें, कह रहे इतना स्लो क्यों पढ़ाते हैं? आप नहीं लिख रहे होंगे, आप लिखते कॉपी पेन लेके ना, तो आपको समझ में आता कि स्लो पढ़ा रहे या फास्ट पढ़ा रहे। हम उन लोगों के लिए है ही नहीं जो लोग सिर्फ दर्शक बन के बैठते हैं, उनके लिए बाकी चैनल हैं, वहाँ आप देखें, आपको फ़ायदा होगा। अपना टाइम, कीमती टाइम स्लो पढ़ाने वाले टीचर के साथ बिल्कुल ना खराब करें। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। सिनेबार इज द ओर ऑफ विच मेटल, सिनेबार किस धातु का अयस्क है, इसीलिए हम कमेंट देखते ही नहीं। बताइए सिनेबार किस धातु का अयस्क है। अभी मैंने कहा था कि कुछ आएंगे जहाँ पर हम आपको बात करेंगे, तो आपको बताना है सिनेबार किसका ओर है। तो आप जानते हैं सिनेबार किसका ओर है साथियों, मरकरी का है ना। मरकरी, मरकरी इन द सेंस पारा। एल्यूमिनियम के बहुत सारे ओर होते हैं साथियों, आयरन के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरेट होते हैं, कॉपर का भी कई सारा। तो हमें यहाँ पर किसका करना है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है टीसीएस में, ओर और मेटलर्जी या ओर और मेटल, तो ये आपको थोड़ा बहुत याद कर लेना चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप 1978 में शुरू हुआ था। जो पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला, दैट वाज प्रगट सिंह, है ना, जिन्होंने प्रगट सिंह को मिला था। और ये किस फील्ड में होता है, तो हमने कहा कि ये 1978 में शुरू हुआ कप है, और ये कप हम हॉकी में देते हैं। तो ये भी एक आजकल इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि कौन सा कप कौन सा खेल, कौन सा कप कौन सा खेल, ये आपको याद करना चाहिए। इन विच ईयर डिड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम इनटू एग्जिस्टेंस, किस वर्ष में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा अस्तित्व में आई थी। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस वर्ष। तो मित्रों आप जानते होंगे कि जावा कोडिंग के लिए यूज किया जाता है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर आजकल कई सारे इसके लिए इसके थ्रू बनाए जा रहे हैं। और ये किसका प्रोडक्ट है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। लेकिन और ये कहाँ पर है साथियों, वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जावा कब शुरू हुआ। तो क्या आप इस तरीके के सारे सॉफ्टवेयर का नाम पता किया जा सकता है क्या, तो जवाब है कि नहीं। लेकिन चलो हमें दिया गया है तो हम बता देते हैं 1996, तो ऑप्शन में ही नहीं, 1995 कर लीजिए। और मित्रों 1995 ही। मित्रों अभी माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा शेयर जो किसी के पास है, तो अल्फाबेट एक कंपनी, अल्फाबेट इज द गूगल, गूगल के पास अभी इनका सबसे बड़ा शेयर है। तो जावास्क्रिप्ट किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। 2016 में जब नोटबंदी हुआ, 8 नवंबर को रात को 8 बजे, मेरे प्यारे देशवासियों अब 5 और 1,000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। अब मेरे प्यारे देशवासियों अगले 50 दिन तक आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, और देश में कई सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छे उम्मीद से किया, लेकिन वो उम्मीद शायद पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे करप्टेड लोगों ने मोदी जी की इस मेहनत को असफल कर दिया। तो पूछ रहे हैं कि किस नोट पर मंगलयान का फोटो है। तो आप जानते होंगे कि 2000 के नोट पर मंगलयान का फोटो है। 100 रुपए के नोट पर अभी क्या चल रहा है साथियों, रानी की वाव, है ना, सीढ़ी वाला जो फोटो आप देखते होंगे। 500 के नोट पर क्या चल रहा है साथियों, लाल किला चल रहा है। अभी आपने देखा होगा 200 का भी नोट आ गया है, तो 200 के नोट पर क्या चल रहा है मित्रों, सांची स्तूप, पता होगा शायद। इसी तरीके साथियों आपको पता हो 10 रुपए के नोट पर क्या है, सन टेम्पल कोणार्क का। 20 रुपए के नोट पर एलोरा केव। 50 रुपए के केव पर, 50 रुपए के नोट पर क्या साथियों, हम्पी विचार्याट, यानी मतलब आप समझे ऐसे रथ हम्पी का। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको वैसे भी आपकी लाइफ से डेली हाथों से गुजर रहा है। आप जानते होंगे कि कितने नोट आज के डेट में जारी किए थे, 9 नोट जारी किए जाते हैं। सबसे बड़ा नोट अभी 2000 का जारी किया जा रहा है। सबसे छोटा नोट जो भी चलता है वो 1 रुपए का, आरबीआई के द्वारा 2 रुपए का। वैसे जो प्रिंट हो रहा है आज के डेट में सबसे छोटा वो 10 रुपए का हो रहा है। सबसे बड़ा नोट कितने का प्रिंट हो सकता है, कल भी सिखाया था हमने, तो सबसे बड़ा नोट जो प्रिंट हो सकता है वो 10,000 रुपये का। तो क्या भारत में 10,000 का नोट प्रिंट हुआ है क्या? तो जवाब है कि हाँ, भारत में 10,000 का नोट प्रिंट हुआ है। 1978 में हमने इसको बंद कर दिया था। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ बैल्कोनो? ज्वालामुखी का सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण कौन सा है? मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो, सबसे विस्फोटक। तो अब थोड़ा सा एक बार फोटो देखो, तो देखो तो इसमें सबसे ज्यादा किस में विस्फोट तुमको दिख रहा है, सबसे ज्यादा फैलाव किस में दिख रहा है? एसेंडर में दिख रहा है क्या? फेस वोल्केनो में दिख रहा है क्या? शील्ड वोल्केनो में दिख रहा है क्या? देखो इसका इतना ही है। डोम वोल्केनो में थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्पोजिट वोल्केनो में छोटा सा है, एसेंडर में सबसे बड़ा किस में दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा विस्फोट जो हुआ है कल्डेरा में। और हमने कहा था कि वोल्केनो के में सबसे ज्यादा क्या निकलता है? वेपर निकलता है, वाष्प निकलता है। तो आप इस प्रश्न का जवाब कर सकते हैं कि कल्डेरा में निकलता है। तो आंसर इज द, आप क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार, कल्डेरा वोल्केनोज। देखिए हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन टीसीएस वाले करा दिए हैं और नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज करेंगे, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग टीसीएस के लगभग क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इन्हीं को बेस बना करके, इन्हीं को ध्यान में रख करके कराया करेंगे। और वीकली जो आपका क्या नाम है, सैटरडे संडे संडे हम आपको मैराथन कराया करेंगे, जहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट के कराएंगे। जैसे हमने लास्ट सर 2019 में आरपीएफएसआई में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, उन्हें ऐड कर सर टीसीएस ने पूछे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, सारे के सारे सर ये क्लास यूट्यूब पे हो रही है क्या? नहीं नहीं, ये क्लास फेसबुक पे हो रही है, हो सकता है आपको यूट्यूब पे दिख रही हो। हम ये क्लास ट्विटर पे और फेसबुक पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं हो रही है। एक से एक जादूगर लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला चुनाव कब हुआ था, या चुनाव कब हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव मार्च में आया था कैबिनेट मिशन, उसने सजेशन दिया और उसके सजेशन से जुलाई से लेकर के नवंबर तक 1946 तक चुनाव हुआ था। और इस चुनाव के बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। मैं सोचता हूँ थोड़ा सीरियस पढ़ाऊँ, एक ऐसा इमेज लगे कि बहुत सीरियस टीचर है, बहुत ही धीमे धीमे और बोरिंग टाइप का पढ़ाता है। नहीं, तुमने कब में मजाक कर ही देते हो। कभी आओ गुरुकुल में, देखो हमारा इमेज दूसरा है। खैर यहाँ भी तो खड़ूस टाइप का ही हो गया है तब से ऑनरशिप आया ना। पहले जब टीचर थे तो बहुत, यहाँ खैर माहौल भी तो ऐसा रखना पड़ता है, मतलब बहुत कैजुअल हो जाएंगे तो बच्चे सीरियस लेंगे नहीं, तो थोड़ा टफ रहना पड़ता है, स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। क्या कहते हैं, डायलॉग दिया था, प्रतिष्ठा और परंपरा और नियम, इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। अब देखो पूछ रहे हैं कि थायराइड के जो पीछे पैराथायराइड होता है, जैसे थायराइड छोटा सा, तो इसको पकड़ने के लिए पीछे की तरफ तितली के आकार में पैराथायराइड होता है। तो कुल कितने पैराथायराइड होते हैं? देखो तो कुल कितने पैराथायराइड ग्लैंड है, कितने दिख रहे हैं साथियों? 4 दिख रहे हैं, तो ये 4 होते हैं। नहीं, कुटाई तो नहीं होती, कुटाई वाला चक्कर नहीं है, लेकिन कुटाई से ज्यादा इंसल्ट हो जाती। हमारे इंसल्ट से यदि बच्चा रुक जाता है तो उसके मजे हो जाते हैं, और नहीं रुकता है तो किसी और के मजे हो जाते हैं। नौकरी लेना मजाक नहीं है ना भाई, नौकरी के लिए मेहनत करना पड़ता है। ये सब कहा जा सकता है कि मस्ती में रहिए, मजाक करिए, वो लोग जीनियस टाइप के लोग हैं जिनका मतलब ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया से लाइफ प्लान करके भेजा है। हम लोग तो एवरेज लोग हैं, हमारे लाइफ में तो बहुत संघर्ष है। तो हमने कल ही बताया था कि स्पोर्ट्स डे के दिन भारत में कई सारे स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड किसे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड माना था, क्योंकि राजीव गांधी जी ने सबसे बढ़िया खेल खेला था देश में। सर्वोच्च सम्मान मान्यता। हालांकि आपको शिकायत हो सकती है कि अर्जुन अवार्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा गया कि जनरली जो राजीव गांधी खेल रत्न होगा एक साल में एक लोगों को दिया जाएगा, लेकिन कई बार ज्यादा लोगों को भी दिया जा सकता है। जैसे इस बार हम लोगों ने 5 लोगों को दिया है। रोहित शर्मा को दिया है, मरियप्पन थांगुल्ले को दिया है, मोनिका बत्रा को दिया है, विनेश फोगाट को दिया है, रानी रामपाल को दिया है। पहली बार जो ये दिया गया था, तो ये साथियों 1991-92 में दिया गया था, जो आपने सुना होगा विश्वनाथन आनंद जिनको, ग्रैंड स्लैम विनर हैं विश्वनाथन आनंद। 17 चेस खेलते हैं वो, और सबसे कम उम्र में, सबसे कम एज में अभिनव बिंद्रा जी को दिया गया था। अभिनव बिंद्रा आप जानते होंगे कि एकमात्र व्यक्ति भारत की तरफ से जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इनको 2001 में दिया गया था, और पहली महिला जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो 1994, 95 कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है। कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है। आप जानते होंगे कि पहले इसमें 7.5 लाख का अवार्ड मनी मिलता था, अब 25 लाख का अवार्ड मनी मिलता है। पहले इसमें आपके एक साल के परफॉर्मेंस के बेस पर आपको अवार्ड दिया जाता था, लेकिन अब इसमें पिछले 4 साल के आपके परफॉर्मेंस के, लेकिन वो भी कैसा, इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे अर्जुन अवार्ड किस बेस पर देते हैं, तो अर्जुन अवार्ड देते हैं आपके राष्ट्रीय स्तर पर आपके परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्यों देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देने के लिए। अभी निकम्मा बोल रहा है कि बिना इंटरनेट का चल सकता है। बिना इंटरनेट के बाबू से बात होती है, जब बिना इंटरनेट के बाबू से बात नहीं होती तो बिना इंटरनेट के मास्टर की क्लास कैसे चलेगी। सुधर जा निकम्मे। बाकी चलो ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे भी होने चाहिए। तो सारी बातें लिख चुके होंगे, पहली बार कब, सबसे कम उम्र में किसको, पहली महिला किसको, अभी लेटेस्ट किसको, है ना, कितना अवार्ड मनी, सारा का सारा हमने आपको बता दिया। हमने कहा कि 4 साल के आपके परफॉर्मेंस के बेस पर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे कैसे याद रखना है, राजीव गांधी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विवाह कहाँ हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। तो इसलिए इस पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ के रखना, और अर्जुन अवार्ड को राष्ट्रीय स्तर के परफॉर्मेंस के बेस पे रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परफॉर्मेंस का मतलब है क्या है, आप क्रिकेट में अच्छा करते हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में अच्छा करते हो, कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा करते हो, ऐसे आपने याद रखना है। चलो, विच ईयर फेस्टिवल मेक द तिब्बतन न्यू ईयर सेलिब्रेशन। जैसे हमने कहा था कल, सागा देवा फेस्टिवल, ये भी तिब्बत में मनाया जाता, लेकिन ये क्या था, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध का बर्थ के लिए मनाया जाता था। तो उनका तिब्बतन का न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब मनाया जाता है। सरकारी बाबू बनने आते हैं सर यहाँ सब, सरकारी बाबू बनने के लिए जरूरी है कि पहले से एक टेम्परेरी बाबू हो। तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं, आपने देखा होगा बुद्धिस्ट लोग ड्रेस में, ये भी क्वेश्चन आया था कि कौन से लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो बुद्धिस्ट लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं तिब्बत वाले ईयर में। और ये 12वें मंथ में पड़ता है हमारे इस 12वें महीने में। चल, जो तुम किसी के ना बन सके तो ये जिंदगी जिंदगी क्या है। नहीं, सीरियस रहना साथियों, हम सिर्फ माँ बाप के बनेंगे, है ना। एसएससी तो किसी और के बनने नहीं दे रही है। किसी ने कहा कि अभी तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, और जब मैं कुछ लग गया तो मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। भूकंप के सतह पर पहुंचने के लिए तरंगों को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज करते हैं, कल भी पढ़ाया था हमने, सिस्मोग्राफ का। आप जानते हैं कि जहाँ से भूकंप ओरिजिन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जहाँ पे सबसे पहले महसूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। और इसमें 3 वेव, PSL प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव। एल वेव सरफेस पे चलती है, सबसे लास्ट में आती है, लेकिन सबसे घातक होती है। प्राइमरी वेव सबसे फास्ट होती है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सरफेस पे नहीं चलती है, इसलिए हमें उतना नुकसान नहीं पहुँचाती है। चल, which scientists arrange the periodic table of element in order to atomic mass, है ना। देखो एटॉमिक मास वाला भी उन्होंने दिया, एटॉमिक नंबर वाला भी उन्होंने दिया। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि एक तो है मॉडर्न और एक एंशिएंट। तो एंशिएंट वाला जो दिया है वो दिया है मेंडलिफ ने, जिन्होंने मास वाला कहा, मेंडलिफ मास। और जो एटॉमिक नंबर वाला है आज के टाइम में जो यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल पे जो कॉम्बिनेशन किया गया वो हेनरी मोजले, वो भी ऑप्शन में है ही, के द्वारा दिया जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर है? एटॉमिक नंबर पर। और ओवरऑल किसके द्वारा है? मास के आधार पर। कुछ फायदा हो रहा है कि बस ऐसे ही तुम्हारा रात खराब हो रहा है, मेरा रात, मेरा तो क्या खराब होगा, तुम्हारी रात, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा डेडिकेशन। क्योंकि मैंने आपसे एक वादा लिया था कि हम आपके समय को और कीमती बनाएंगे। तो ये कीमती कब बनेगा? जब आप अपनी जरूरत को मुझे बता पाएंगे, या आप मुझे भरोसा करके कह दें कि जी ठीक है हम आपको 1-1.5 घंटे डेली देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए, तो वो हम कवर कर लेंगे। जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये करेंगे तो 45+ आ जाएंगे क्या? तो 45+ की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन ये गारंटी है कि जो टॉपिक कराएंगे उससे ही आएगा। आप देखो लगभग क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द। पीली बुक यदि आपने किसी ने ली हो मेरी 52 वाली, तो आप शुरू के जब 30-40 पेपर करते हैं तो आपको लगता है यार इतना टफ पेपर है क्या, लेकिन जैसे आगे जाने लगते हैं आपको सुकून मिलने लगता है कि एक ही जैसे क्वेश्चन तो हैं बार बार। तो इसलिए जरूरी है कि टीसीएस के क्वेश्चन को आप करें, लेकिन ये शायद बात अभी नहीं समझ में आएगी, जब एग्जाम में जाएंगे लेट हो चुका होगा तब। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तब हमें लगता था कि नहीं सर। तो ऑयल ऑफ विट्रोल का केमिकल नेम क्या है, ये हमने बताया था कि आपको आना चाहिए। चले, ये क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये देखो, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य लोगों के साथ मिलकर के एक संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया था? याद करो, हमने कहा था कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को कहा कि अभी भारतीय इस लायक नहीं, सॉरी कैबिनेट मिशन कह रहे हैं, गो बैक साइमन मिशन आया था, जिसको व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन आया था जांच करने के लिए कि क्या भारतीय इस लायक हो गए, उनको शासन करने का मौका दे दिया जाए। क्योंकि साइमन कमीशन जब आया था तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो भारतीयों ने नाराजगी जाहिर की कि इसे व्हाइट कमीशन कहा कि जब भारतीय नहीं तो कैसे आप जांच कर पाएंगे। विरोध हुआ और साइमन कमीशन नाराज होकर गया और कहा कि नहीं, कोई भारतीय इस लायक नहीं है कि शासन कर सके, यदि आप लायक हैं तो आप एक संविधान बना के दिखा दीजिए। और उस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने स्वीकार कर लिया और इन्होंने एक प्रपोजल दिया कि देखो हम बताते हैं कि संविधान कैसे बनेगा। और उन्होंने इस प्रपोजल में इसमें मोतीलाल नेहरू के साथ साथ अली इस्लाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, बहुत सारे प्रपोजल दिए। लेकिन इसको जिन्ना ने मना कर दिया, कहा कि ये गलत है, ऐसा कोई प्रपोजल होता है क्या जिसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं हो, एक अलग पाकिस्तान बनाइए, तभी तो भारत और पाकिस्तान लड़ता रहेगा। और जब यहाँ के नेताओं को दिक्कत होगी तब पाकिस्तान का नारा देंगे, और वहाँ के नेताओं को दिक्कत होगी तो भारत का नारा दे देंगे। अब देखिए, विच प्लैनेट इज मेड अप बाय थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स, है ना, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना हुआ है? तो सोच के देखो, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कौन सा होता है? शुक्र। जबकि सबसे गर्म होना किसको चाहिए था? बुध को, लेकिन उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा। चले, बोल रहे हैं बुक का नाम बताइए। बुक का नाम 5200+ है। आप हमारे ऐप श्योर 60 गुरुकुल से परचेज कर सकते हैं इसको। इस बुक से आपको टीसीएस के सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, मिलते हैं। सर टॉपिक कराओ प्लीज। टॉपिक का टाइम फिक्स तो किया है, क्या है ना, इन क्वेश्चंस के लिए बहुत टाइम लग जाता है, सेट करवाना, मैटर तैयार करना। देखो फिर आ गया, पूर्ण स्वराज कब लागू किया गया, पूर्ण स्वराज का नारा कब पास किया गया था, जिसको हमने 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करना था। तो दिसंबर में, सबसे लास्ट में 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया और डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम आज़ाद कर लेंगे। तो ये एक अच्छा डेट है, ये आपको याद रखना चाहिए। 19 दिसंबर 1929 पंडित नेहरू के नेतृत्व में लाहौर सेशन। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अब ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्या? जब आपको सारे नवरत्न का लिस्ट याद हो, कितने भी नवरत्न सॉरी महारत्न कंपनी है 10 है ना, नवरत्न का लिस्ट याद हो, मिनी रत्न का लिस्ट याद हो, तो ये अब थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न में नहीं है, यही गलत है। चल वैसे भी ये कंपनी तो है नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो आपको ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। व्हाट इज मेंशन इन आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुच्छेद 49 में किस चीज का जिक्र है? आर्टिकल 49 में प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं, 21A में है यह। प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स टू द नेचुरल इंपॉर्टेंस, जो स्मारक और स्थान है उनके महत्व की सुरक्षा की जाए। कारखानों में 14 साल से कम के बच्चों को काम करने से रोका जाए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो किस आर्टिकल में बच गया? तो कौन सा आर्टिकल साथियों? बी 49। तो क्या आपने सही किया? फ्लिपकार्ट पे नहीं है क्या? नहीं है, अभी सब कहीं भी नहीं दिया है। टेलीग्राम नेम क्या है साथियों? टेलीग्राम नाम श्योर 60 है, ये गैप है। चल पंचायतन शैली क्या होती है? तो पंचायतन शैली में 5 मूर्तियों को एक साथ रखा जाता है। बीच में माता जी की मूर्ति रखी जाती है, एक तरफ शंकर जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन लोगों की मूर्ति रखी जाती है। तो ये कहाँ पर है? इस ऑप्शन के हिसाब से भारत में 3 ही पंचायतन मंदिर है। एक तो दशावतार मंदिर देवगढ़ इन उत्तर प्रदेश, या आ ही गया देवगढ़, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका गुप्ता टाइम पीरियड में, कल में वाले में भी था, आज थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया। दूसरा कंदारिया महादेव टेम्पल इन खजुराहो, कंदारिया महादेव टेम्पल इन खजुराहो। और मित्रों लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इन तीनों का नाम आपने लिख लेना चाहिए, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा। तो 3 हैं ये जो आपको जानना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन का था वास्तुकला की पंचायतन महाशैली का है। हमने आपको शायद टेम्पल टॉपिक पढ़ाया है, कोई ऐसा जिसका छूटा हो तो बता देंगे, तो कल परसों हम टेम्पल टॉपिक भी डिस्कस कर देंगे। हालांकि आप सबकी डिमांड है ज्योग्राफी करने की, तो ज्योग्राफी पहले हम कराएंगे। मुगल दरबार की भाषा क्या थी? तो हमने कहा था कि मुगल दरबार की भाषा भी वही थी जो दिल्ली सल्तनत की थी। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की भाषा क्या है साथियों? पार्सियन, फारसी। यह अच्छा क्वेश्चन है, यह आपको याद रहना चाहिए। किस नेता ने सिटीज जन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स लिखी है? यह आप याद करें, इनके पास दिल्ली में सबसे लंबे समय तक शासन करने का अधिकार है। कोई आया और इनको इन्हीं के चुनाव क्षेत्र में हरा दिया, इन्हीं के चुनाव क्षेत्र में हरा दिया गया। उसके बाद ये आफ्टर 8 PM नो PM है ना करने लगे, तो फिर इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया कहीं का। तो ये कौन है साथियों? शीला दीक्षित। चल अलग बहुत टैलेंटेड लेडी है। अब देखो ये भी अपने आप में एक फालतू क्वेश्चन ही कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स has not been notified as a national geo heritage monument by Geological Survey of India? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में नहीं देखा गया है, भू विरासत स्मारक के रूप में नहीं रखा गया है? अब ये आप क्या ही बता पाएंगे। पिल्लो लावा इन आयरन बेल्ट इन नमोरिया उड़ीसा, पेनिनसुलन नीज इन लाल बाग कर्नाटक, नेगा हिल वही लाइट और गिंगेस फोर्ड बेल्लूपुरम, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन का जवाब है। हम उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आप बता पाएंगे। चलिए ये बताइए कौन सा ऐसा पर्वत है which of the monuments look like a giant pyramid and a, जहाँ पर एक पर्वत है और उसके आगे पीछे पिरामिड दिखाई देते हैं। तो ये भी देख लो ये भी एक अपने आप में टफ ही क्वेश्चन है। ये आप बता पाते हैं तो बेहतर है, नहीं बता पाते हैं तो कोई बात ही नहीं है ना। उत्तराखंड का हाईएस्ट मोनूमेंट है नंदा देवी के बाद, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कमिट। तो आज हमने आपके सेशन जितने थे वो हमने कवर कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन से भी आप कुछ सीखने का मिला होगा। हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपका कोई सजेशन है, क्या आपकी कोई डिमांड है जिससे मैं आपके स्टडी को और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकूं। एक सजेशन सब, एक डिमांड सबकी है। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, मुझे एक बार कमेंट करके बता दें जिन लोग को ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कराना है या वर्ल्ड ज्योग्राफी कराना है, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आप मेरा चैनल श्योर सार्ट यूज कर सकते हैं और टेलीग्राम के लिए श्योर सार्ट यूज कर सकते हैं साथियों। और क्या मित्रों, 10% ऑफ के लिए अनअकैडमी पर श्योर सार्ट कोड यूज कर सकते हैं। और मैराथन सेशन जो है वो हम लोग संडे को कर रहे हैं। प्लीज कहाँ मिलेगी ज्योग्राफी कराओ, टेलीग्राम पर बुक का लिंक शेयर कर दीजिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएगा। फिर सर 5200+ बुक कहाँ मिलेगा, एक बार बता दीजिए। हमने बताया था कि आप 5200+ बुक हमारे श्योर 60 गुरुकुल के नाम से ऐप आता है उसे परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। हो सकता है अगले 1-2 दिन में हम इसको टेलीग्राम और अमेजन फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी अपडेट कर दें क्योंकि अभी दूसरा स्टॉक हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे। खूब मेहनत कीजिए, खूब खूब खूब, मतलब इतना कि मतलब लगे कि यस ये मैंने किया है। आपको यकीन नहीं होगा, मतलब क्या बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। आज भी मैं लगभग 17-18 घंटे मेहनत करता हूँ, मतलब सोने के अलावा पढ़ाई, क्योंकि 24 घंटे बच्चों के साथ ही रहते हैं। जो लोग नहीं जानते होंगे जानते होंगे कि मैं नहीं जानते तो बता देते हैं। हम लोग भारत में एक श्योर 60 के नाम से एक गुरुकुल चलाते हैं जहाँ पर विदाउट मोबाइल बच्चों को रखते हैं, जहाँ दिन रात पढ़ाई लिखाई, टारगेट बेस्ड स्टडी है ना, बेहतरीन जिसे कहते हैं। बहुत मुश्किल है 6 बजे उठना और 12 बजे सोना, क्योंकि होता क्या है जब आप पढ़ाई करते हैं तो खुद से रेगुलरिटी नहीं बनती। पढ़ लें, डाउट आया तो किससे पूछें, और अचानक कुछ भी पढ़ लें, कुछ देर ये पढ़ते हैं, कुछ देर ये पढ़ते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। तो ऐसे करते करते कब 1-2 साल बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। और कभी कोई सिलेबस आप ढंग से पूरा नहीं करते, कभी आप 200-500 टेस्ट नहीं लगाते हैं। जब 200-500 टेस्ट नहीं लगाएंगे तो कहाँ से नौकरी को उम्मीद कर लेंगे। चलें, खैर मेहनत कीजिए और जितना हम आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए। हम सब आपके साथ हैं, पूरा अनअकैडमी की टीम आपके साथ है। मैं आपके साथ डेली रात को 10 बजे से मिल रहा हूँ। चल ठीक है साथियों, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।